नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल में आग लगने से 23 लोगों की मौत, कई मरीज झुलसे, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा, सरकार ने दिए जांच के आदेश, पीएम मोदी ने की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बात। उड़ीसा से लेकर मुंबई तक आग का तांडव, मुंबई के हाई प्रोफाइल मेकर टावर में लगी भीषण आग, हादसे में 2 लोगों की मौत, उद्योगपति शेखर बजाज के घर तक पहुंची आग, फायर ब्रिगेड ने बजाज के घर वालों को सुरक्षित बचाया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज पीएम मोदी का कार्यक्रम, 3 बिजली परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, हिमाचल के बाद लुधियाना भी जाएंगे। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा युद्ध विराम, नौशहरा सेक्टर में कल रात 8:30 बजे से 1:30 बजे तक हुई फायरिंग, भारतीय सेना ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। कावेरी के जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, आज 3 जजों की नई बेंच करेगी मामले की सुनवाई, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है विवाद। वियतनाम में सारिका तूफान का कहर, 24 से ज्यादा लोगों की मौत, लाखों का नुकसान। और कबड्डी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को 72 अंकों के भारी अंतर से हराया, बांग्लादेश ने बनाए थे 80 अंक जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 अंक ही बना सकी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीपी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।